अभी तक तो केवल जालंधर ही एकमात्र चुनौती था, अब उसके साथ एक और कपटी कुटिल शक्ति भी जुड़ गई है। जालंधर महासंकट का रूप ले, उससे पहले उसका अंत कर दीजिए स्वामी। इतना क्यों सताया मुझे? कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूं मैं? कौन है ये मायाविनी? मेरी प्रतीक्षा क्यों कर रही थी ये? मेरे पांव जड़ कैसे हो गए? ये कैसा मकर जाल है? कौन है ये मायाविनी? देखा, तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया ना मैंने। अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर भी इससे मुक्त नहीं हो पा रहा हूं मैं। कौन हो तुम? क्या चाहती हो मुझसे? इस प्रश्न का विचार तो तुम्हें मेरा पीछा करने से पूर्व करना चाहिए था। अद्भुत विलक्षण है ये, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं बांध सकता। नहीं, सर्वश्रेष्ठ जालंधर हूं मैं। मेरा पल ही मेरा परिचय है, मेरे साथ क्रीड़ा, इसका परिणाम भयंकर ही होगा। भयंकर परिणाम? उसमें तो मुझे अपार आनंद आएगा। मैं ही करती हूं इस क्रीड़ा का आरंभ। इस क्रीड़ा का अंत मैं करूंगा। मायाविनी, तुम
तुम मेरा स्पर्श भी नहीं कर पाओगी। सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं मैं। सर्वश्रेष्ठ जलंधर को अपनी माया से बांधने चली थी तुम। रुक जाओ, अभी इस क्रीड़ा का अंत नहीं हुआ है। तुम मेरे मोहपाश से बचकर कहीं नहीं जा सकते, सर्वश्रेष्ठ जलंधर। रुक जाओ जलंधर, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। संभव है सर्वश्रेष्ठ जलंधर को रोक पाना। ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है मुझे जैसे मैं इस राक्षसी से परिचित हूं। जो भी है विचित्र है, ये मायावनी है, अद्भुत है इसकी शक्ति। मुझे वश में करना चाहती हो ना तुम, तो आओ प्रयत्न करके देख लो। आ रही हूं मैं। क्या हुआ, नहीं पकड़ पा रही हो ना मुझे? असाधारण हूं, सर्वश्रेष्ठ हूं, जलंधर हूं मैं। इसकी कलाई की कंगन की चमक मुझे कुछ स्मरण करा रही है। कौन थी वो बालिका? क्या हुआ, मुझसे अपनी रक्षा नहीं कर सके ना तुम? लो, कर लिया मैंने तुम्हें अपने वश में। अब हुआ हमारी इस क्रीड़ा का अंत। रुको, ये कंगन तो मैंने पूर्व में भी कहीं देखा है। ये कंगन तो उस युवती का है जिसने मेरी रक्षा की थी। ये कंगन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? क्या तुमने इस युवती का वध कर उसको अपना आहार बना लिया है? बोलो, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। बोलो, क्या किया तुमने उसके साथ? शांत क्यों, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो।
जिस युवती को लेकर तुम इतने प्रश्न कर रहे हो वो युवती मैं ही हूँ। आश्चर्य, यही है वो युवती। अद्भुत है इसका सौंदर्य। किंतु जब मैंने तुम्हें देखा था तब तो तुम साधारण सी युवती थी, तब तुमने रूप कैसे धारण किया? इतना परिवर्तन क्यों और कैसे? तुम्हारे लिए ये सब मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया है जलंधर। मेरे लिए? अर्थात? अपनी बाल्यावस्था से ही मैं सदा विष्णुदेव की भक्ति में लीन रहती थी। फिर एक दिवस मेरी दृष्टि तुम पर पड़ी और उस दिवस से मैं नारायण की भक्ति को छोड़कर तुम्हारी भक्त हो गई। उचित है, करनी भी चाहिए तुम्हें मेरी भक्ति। सर्वश्रेष्ठ जो हूं मैं जलंधर, सर्वश्रेष्ठ। किंतु तुम, तुम्हारे पास तो मेरे लिए समय ही नहीं था। मैं तुम्हारी एक झलक के लिए ललायत रहती थी और तुमने मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया। कदाचित उस रूप में मैं तुम्हारे योग्य ना थी, इसीलिए उस दिवस मैंने निर्णय लिया कि यदि तुम्हें पाना मेरे जीवन का ध्येय है तो मुझे तुम्हारे योग्य, तुम्हारे जैसा बनना होगा। इसीलिए मैंने नारायण की भक्ति का त्याग किया और ये रूप धारण किया। जलंधर, जलंधर, मैं नारायण की भक्ति नहीं, मैं तो केवल तुम्हें पाना चाहती हूं। मैं वृंदा हूं और मुझे ये वरदान प्राप्त है कि मेरे जीवित रहते मेरे पति की मृत्यु कभी नहीं हो सकती। अर्थात मेरे जीवित रहते तुम्हारी मृत्यु कभी नहीं हो सकती जलंधर। और तुम तो इतने बलशाली हो कि मेरी मृत्यु कभी होने ही नहीं दोगे। सोचो, हम दोनों साथ मिलकर समस्त संसार पर अनंत काल तक राज करेंगे। राज करेंगे। उचित है। तब तो हमें शीघ्र विवाह कर लेना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ कपट बुद्धि की स्वामिनी का विवाह तो सर्वश्रेष्ठ जलंधर से होना ही उचित है। अभी तक तो केवल जालंधर ही एकमात्र चुनौती था, अब उसके साथ एक और कपटी कुटिल शक्ति भी जुड़ गई है।
भी हमारे विवाह से आनंदित हैं, उसका उत्सव मना रहे हैं। अंततः जिससे मैंने प्रेम किया, जिसको पाने की लालसा रखी, अब पूर्ण रूप से उसका साथ पा ही लिया मैंने। कोई वध नहीं कर सकता वृंदा के पति का, अर्थात सर्वश्रेष्ठ जलंधर अब अमर हुआ। स्वामी, क्या विचार कर रहे हैं आप? जब मैं सागर के भीतर था, तभी मुझे आभास हो गया था कि महानता की चरम शिखर पर पहुंचना मेरी नियति है। किंतु इसके लिए मुझे क्या करना है, ये मुझे ज्ञात नहीं। स्वामी, मुझे भी इस बात का आभास हुआ था कि आप ही इस संसार के अधिपति बनने के योग्य हैं। पाताल लोक, देवलोक, सब पर आपका अधिकार ही आपकी नियति है। लेकिन स्वामी, उसके लिए हमें शुक्राचार्य के पास जाना होगा। शुक्राचार्य? हाँ स्वामी, असुर गुरु है शुक्राचार्य, वही हमें संसार पर विजय प्राप्ति का मार्ग सुझाएंगे। गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में स्वामी अवश्य सर्वोच्च पद पर स्थापित होंगे। सर्वश्रेष्ठ जलंधर अब महानतम जलंधर भी होगा। गणेश जी, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? ऋषिवर, आपने मुझे इस संकट से अवगत कराया, यही पर्याप्त सहायता है मेरे लिए। अब मुझे यथाशीघ्र कैलाश लौटकर पिताश्री के साथ इस पर विचार विमर्श करना चाहिए। उचित है गणेश जी, महादेव ही इस भयंकर संकट का हल सुलझा सकते हैं। आप शीघ्र प्रस्थान कीजिए, मैं यही लोपा मुद्रा का स्मरण करते हुए ध्यान मग्न होता हूं। देखिए ऋषिवर, माँ लोपा मुद्रा नदी रूप में भी पुष्पों से आपका अभिवादन कर रही है। गणेश जी, लोपा मुद्रा का त्याग तो अद्भुत था। मेरे लिए उसने राजभवन के सारे सुख त्याग दिए और आज इस रूप में भी मेरे प्रति समर्पित है, तो मैं उसका त्याग कर और कहीं कैसे जा सकता हूँ? ऋषिवर, आपका और माँ लोपा मुद्रा का प्रेम तो अमर है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, समय आने पर माँ लोपा मुद्रा सदैव प्राप्त होंगी। आप प्रतीक्षा कीजिए ऋषिवर, निकट भविष्य में जगत जननी के सर्वोच्च रूप माँ ललिता देवी का आविर्भाव होगा, तब आपको उनके दर्शन का लाभ होगा और उनसे ही आपको उनकी कथा और उनके सहस्त्र नामों का ज्ञान भी प्राप्त होगा। आपके माध्यम से माँ ललिता के सहस्त्र नाम उजागर होंगे और माँ लोपा मुद्रा से पूर्वजों के उद्धार हेतु आपको संतान की प्राप्ति भी होगी। धन्यवाद गणेश जी, आपके आशीर्वाद से मैं कृतार्थ हो गया। पिताजी, जलंधर को लेकर ब्रह्मदेव की चिंता हमारी चिंता भी तो है। स्वामी, अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकते आप, इस संकट का निवारण शीघ्र ही करना होगा। अंत का सुर के कारण जो महक संकट उत्पन्न हुआ, उसका स्मरण है मुझे,
इसलिए अब क्षणिक विचार का समय भी नहीं है आपके पास। जलंधर महासंकट का रूप ले ले, उसके पहले उसका अंत कर दीजिए स्वामी। मेरी क्रोधाग्नि से अवश्य उत्पन्न हुआ है जलंधर। महासंकट भी बन सकता है, किंतु जिस प्रकार महिषासुर के पाप का घड़ा भरने के बाद उसका अंत किया था आपने, तो फिर मेरा अभी जलंधर का वध करना कहां उचित होगा? मैं ऐसा नहीं कर सकता महेश्वरी। देने से पूर्व भगवान सभी को समान रूप से अवसर देते हैं। ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो धर्म का मार्ग चुनता है या अधर्म का। मुझे आभास हो रहा है कि विपदा तो आकर ही रहेगी। असुर गुरु शुक्राचार्य, महादेव, आपने मुझे महादेव पुकार कर उपाय सुझा दिया। नवीन शिव बन कर संसार के समक्ष आऊंगा मैं। इस हफ्ते देखिए, शिव जब स्वयं की शक्ति के विरुद्ध हुए विवश, तब गणेश ने कैसे निकाला इस संकट का हल।